हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लोज टू नेचर। आज मेरे सरे कपाम को आए हुए 1 वीक से ऊपर हो चुका है और मौसम भी बड़ा प्यारा और सुहावना हो रहा है और संडे भी है तो सारे बिल्कुल मेल मिल रहे हैं, इसलिए आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। और इसके लिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये प्लांटर वही है जो मैं पहले लेकर आई थी और इसके अंदर देखिए मैंने कितने सारे हॉल कर ली। और ये जो स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है इसी की हेल्प से मैंने ये हॉल किए हैं, बहुत सारे छेद करिए। और मैंने अब की बार 2 ये छेद देखिए साइड में भी किए हैं, एक उधर साइड में और एक इसके जस्ट अपोजिट इधर साइड में किया हुआ है। तो जितने ज़्यादा हॉल होंगे इसमें एयर सर्कुलेशन के जो जगह है वो ज़्यादा मिलेगी और प्लांट अच्छे से चल पाएगा। और रेड में ये ग्रीन आई थिंक कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। एक और मेरे पास ऐसा है, वाइट है, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये वाले प्लांटर अच्छे लगते हैं घर में लगाने के लिए, इनडोर प्लांट्स के लिए। और साथ ही मैं एक और मेरा ये प्लांटर है, ये मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, बहुत हैवी है ये। ये जब मैंने 300 का लिया था बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें नीचे कोई स्पेस नहीं होता तो मुझे लगता है इसमें प्लांट्स अच्छे से नहीं चलते। जो भी मैंने चलाया वो अच्छे से नहीं चलाया, फिर अच्छे से नहीं चला। और लास्टली मैंने इसमें पत्थर चिट्टा लगाया और वो बाहर ही पड़ा रहता था। प्लांटर बहुत सुंदर है और ये ऐसे ही पड़ा रहता था कोने में। तो अब मैं इसमें सोचती हूँ कि मैं स्नेक प्लांट लगा दूँ, क्योंकि स्नेक प्लांट को कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए और एक जगह रखा रहेगा। ये हैवी भी बहुत है ना, मिट्टी डल के और हैवी हो जाता है। तो मैंने इसकी सॉइल बिल्कुल लाइट वेट बनाई है और इसमें मैं स्नेक प्लांट लगाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ इसमें रखे नीचे ठेकरे, अब मैं डालूंगी सूखे पत्ते। ये देखिए मैंने अच्छे से सूखे ये अपने गार्डन के ही पत्ते डाल लिए। जब तक हमारी रूट्स इन पत्तों तक पहुंचेंगी, जब तक ये डीकम्पोज हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने ये जो अपनी थैली होती है जूट वाली उसका कपड़ा और ऐसे लगा दिया, अच्छे से इसके ऊपर फैला दिया ताकि सॉइल के कोई चांस ही ना रहें इसमें से जाने के और पानी नीचे अच्छे से ड्रेन हो जाए। रूट्स इसके अंदर से बहुत अच्छे से निकलकर नीचे से जो हमारे पत्ते डिकम्पोज हुए हैं उनसे पोषण ले लेंगी। अब मैं अपने इस पाम के इसको कट कर लेती हूँ। इन ज़्यादातर प्लांट्स के जो नीचे मिट्टी आती है बहुत ही चिकनी, बहुत ही स्टिकी होती है, जिनमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते। ये बाइंड हो जाएं या किसी कारण से ये इस तरह से पैक करके लाएं, वरना इनके खुलते रहेंगे प्लांट्स, इनकी रूट्स खुलती रहेंगी। तो ये तो ऐसे लेके आते हैं। तो मैंने इसे थोड़ी देर पानी में रखा तो इसमें से बहुत सारी एक्स्ट्रा मिट्टी निकल गई। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी रूटिंग हार्मोन इसकी जड़ों के ऊपर। ये देखिए चारों तरफ से ये ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं रूटिंग हार्मोन डालूंगी और इसे लगाऊंगी। और बिना देर किए जल्दी से मैंने इस प्लांट को लगा दिया। और लगने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर साथ ही मैंने अपना इस वाइट प्लांटर में स्नेक प्लांट को भी लगा दिया। बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरे एरेका पाम की रिपोर्टिंग हो गई है और होने के बाद ये इतना अच्छा लग रहा है इस प्लांटर के अंदर। और इसमें मैंने पानी भी डाल दिया और बिल्कुल अच्छे से नीचे से निकल आया। अब मैं एक दिन और इसको ऐसे ही रखूंगी, 1 या 2 दिन, उसके बाद में मेरे 2 सेट हो गए हैं तैयार एरेका पाम के। एक को मैं अंदर रखूंगी और एक को बाहर। 15 डेज एक को अंदर रखूंगी, फिर उसको बाहर का एनवायरनमेंट दूंगी, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी ताज़ा हवा, और दूसरे को अंदर रखूंगी। ये बहुत अच्छे एयर प्योरीफायर होते हैं इसलिए मैं इन्हें हमेशा घर के अंदर रखना चाहती हूँ। पहले एक सेट था तो एक अच्छे से चल नहीं पाता था, अब 2 होंगे तो आई होप अच्छे से चल पाएंगे। आप भी इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और खूबसूरती के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।